चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। अमित जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि लगातार तेजी की ही हो रहे हैं, हाजिर में भी कीमतें अच्छी खासी हैं, किसी किसी जगह 8,000 हाजिर बाजार में कीमतें देखने को मिल चुकी हैं सोयाबीन की। NCDX पर 7,900 है और US सोयाबीन $1,660 के ऊपर सस्टेन है। अब आपको क्या लगता है, रशिया यूक्रेन के बीच जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देख चुके हैं हम, दोनों के बीच में वॉर देखने को मिल रही है, और जो बाकी खाद्य तेल हैं, जो बाकी एडिबल ऑयल्स हैं, उनमें भी देख रहे हैं तेजी की हो रहा है, चाहे CPO हो, रिफाइंड सोया हो या फिर कोई भी खाद्य तेल हो, सब में तेजी देखने को मिल रही है। उन सब का असर अब सोयाबीन के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है? जी देखिए, ऑलरेडी जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, यानी जब ये काफी दायरे में ट्रेड कर रही थी, प्राइस 6,000 से 6,500 के बीच, तब यही बात हुई थी कि पोजिशनली जो व्यू है वो तेज है, 7,300 तक प्राइसेस जा सकती है, वो भी लेवल निकल चुका है, 8,000 के करीब है। ओवरऑल यस, जो हम देख रहे हैं कि पूरा कॉम्प्लेक्स, खास करके रिफाइंड ऑयल या CPO भी है हाजिर बाजार में तेज है, तो उसके चलते सोयाबीन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। अपसाइड में मेरा मानना है कि और 5 से 6 फीसद की जगह है जहां पर प्राइसेज 8,000 टारगेट कर सकती हैं आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो ये जो तेजी है, ये ब्रॉडली 7,300 के ऊपर जब तक टिका हुआ है बाजार, तक तक तेजी जारी रहेगी, यानी डिप्स अगर आती भी है 7,600-7,700 तक, वहां से दोबारा जो है 8,500 के लिए एक तेजी बनेगी, और करीबन 5 से 6 फीसद की तेजी आने वाले कुछ सेशंस में दिखाई दे रही है। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।